हाय दोस्तों, हाय स्टूडेंट्स, माइसेल्फ विजय पाटिल। क्या आप लोग चाहते हैं मैथमेटिक्स 10th क्लास में 80 आउट ऑफ 80 लाना? देखिए दोस्त, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आप लोगों के लिए सबसे अच्छा काम किया है, आपके एग्जाम में शिफ्ट कर दिए। अभी भी कोई स्टूडेंट जिनका सिलेबस बहुत अच्छे से कंप्लीट हुआ है, जिनका सिलेबस ठीक ठीक कंप्लीट हुआ है, जिनका सिलेबस थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, उनके लिए एक बहुत ही अच्छा चांस है मेरे साथ। आइए आप लोगों को मैं पूरा एनसीईआरटी का रिवीजन, पूरा एग्जाम्पलर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का मैं आपको पूरा रिवीजन कराने वाला हूं। दोस्तों आप देखिएगा, स्टार्ट मेरे पास कंप्लेंट आई है कि ट्रिग्नोमेट्री में बच्चों को थोड़ी दिक्कत होती है, तो मैं स्टार्ट ट्रिग्नोमेट्री से करता हूं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर मेरे कंसेप्ट के साथ चलोगे तो याद रखिएगा आप 100% मार्क्स लाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा, आप दूसरे सब्जेक्ट्स में भी बहुत अच्छे मार्क्स लाएंगे। दोस्तों चलिए आज शुरू करते हैं, फिर बाद में बात करेंगे, आज शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों मैं ना ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग बताऊंगा, मतलब बताऊंगा, मैं सिर्फ कंसेप्ट की बात करूंगा, केवल कंसेप्ट, जिससे आपके एनसीईआरटी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की क्वेश्चन सॉल्व होंगे। जो भी पेपर बनेगा एनसीईआरटी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के बाहर से नहीं बनेगा। दोस्तों अगर आप चाहते हो कि आपके 80 आउट ऑफ 80 मींस 100 आउट ऑफ 100 आए, तो प्लीज हर एक चीज मेरे साथ स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, आज आप पहला लेक्चर ट्रिग्नोमेट्री का यहां मेरे साथ आप देखिए, वेरी गुड। चलिए दोस्तों, आपके पास ट्रिग्नोमेट्री सीबीएसई बोर्ड 10th क्लास लेक्चर 1, समझ में आ गया दोस्तों। चलिए सबसे पहले आपको राइट एंगल ट्रायंगल से मिलाते हैं एक्सिस पे जो बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, जिसे हम नाम देते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या फिर टी रेशियोज, समझ में आ गया दोस्तों। ये ट्रिग्नोमेट्री जो एनिमेशन से आया है, मैं अपना राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ। ठीक है दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं कोशिश करूंगा, बहुत ही आराम से कोशिश करूंगा, व्हाइट बोर्ड पे उतना अच्छा बन नहीं पाएगा बट, लेकिन आप समझ जाओगे। ये ए, ये एंगल बी, ये एंगल सी, समझ में आ गया दोस्तों। एंगल बी राइट एंगल है, राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेन्यूज है, गॉट इट। नेक्स्ट याद रखिएगा दोस्तों, ये थीटा है एंगल सी, थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर साइड, समझ में आ गया दोस्तों। और बाकी बचा हुआ जिसे हमने जानबूझ के नाम दिया है 20, बहुत बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है इसके अंदर दोस्तों, मैंने देखा है बट लेकिन कुछ भी नहीं है दोस्त, छोटा सा कंसेप्ट है। आइए मेरे साथ देख लेते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल मैंने बनाया। ठीक है दोस्तों, अब इनके रेशियोज के बारे में डिस्कस करते हैं, कुछ नहीं समझाऊंगा मैं, सीधी बात करूंगा। साइन बी या थीटा ले लो, साइन थीटा याद रखिएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। 15 मिनट आप मेरे साथ रहिए, अगर आपसे सवाल ना बने तो आप मुझे बोलिए, समझ में आए, चैट बॉक्स में कमेंट करिए, बहुत अच्छे से आपको क्लियर होगा। ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं। आपसे मैं पूछूं sec थीटा क्या होता है, बोलना नहीं पता, हमें सिर्फ एक चीज पता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा, कॉस थीटा तो याद रखना साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसके ठीक नीचे लिखेंगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। नंबर थर्ड फंक्शन टैन थीटा, टैन थीटा याद रखिएगा, इसका हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज कैंसिल कर दो तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, याद रखिएगा टैन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। नंबर दोस्त याद रखिएगा, ये तीन इंपॉर्टेंट फंक्शन, देन उनके रेसिप्रोकल्स, इधर देखिए साइन का उल्टा
क्या होता है दोस्तों? कॉसेक थीटा, जिसे आप हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट, सेक थीटा किसका उल्टा होता है बेटा? कॉस का। हाइपोटेन्यूज बाय बीस बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज बाय बीस। एंड कॉट थीटा, आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, बीस अपॉन परपेंडिकुलर, इसका उल्टा, बीस अपॉन परपेंडिकुलर। अगर आपको ये आता है तो मैं दावा करता हूँ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोस ये जितने भी प्रॉब्लम है आपकी जेब में है, ना हो फिर बात करते हैं। आइए दोस्तों फिर से एक बार समझो, कोई जल्दबाजी नहीं है, मुझे कोई शो ऑफ करने की जरूरत नहीं, मैं आपको सिखाने के लिए खड़ा हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं फिर से। राइट एंगल ट्रायंगल, 90 डिग्री एंगल बी है, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, एंगल ये थीटा है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, जो बचा हुआ बीस साइड होती है। दोस्तों अगर एंगल ये ले लेता मैं ए, तो ए के सामने वाला परपेंडिकुलर होता, जिसके पास थीटा होगा उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, ठीक है दोस्त। आपसे मैं कॉट पूछूं, आप मत बताओ, आप सीधे एक बात करो, क्या सर साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टैन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉसेक क्या होता है हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, इसका उल्टा, सेक क्या होता है हाइपोटेन्यूज बाय बेस, कॉट क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, राइट। आइए दोस्त स्टार्ट करते हैं। नंबर अगला, सबसे पहले आप साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इधर देखिएगा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, मैंने एक काम कर दिया, ये इक्वेशन वन मान लिया, इसे इक्वेशन टू मान लिया और इसे मल्टीप्लाई कर दिया, फर्स्ट इंटू सेकेंड, क्या कर दिया मैंने, फर्स्ट इंटू सेकेंड कर लिया, समझ में आ गया, फर्स्ट इंटू सेकेंड किया, बड़े आराम से चल रहा हूँ, साइन थीटा क्लास ले रहा हूँ आपकी, ये मान के चलो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यहाँ लिख दीजिए उसकी जगह पर, और कॉसेक की जगह पे हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज, दैट मीन्स साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा ऑलवेज वन होता है, am I right? अब देखिए किसका रेसिप्रोकल साइन का, याद रखिएगा वन अपॉन कॉसेक थीटा होता है, और इंटरचेंज करिए तो कॉसेक थीटा वन अपॉन साइन थीटा होता है, ओके बेटा ये याद रखिएगा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा ऑलवेज वन होता है, अगर मैं इसके नीचे ले जाऊं तो साइन थीटा ऑलवेज वन बाय कॉसेक होता है, एंड कॉसेक थीटा वन बाय साइन थीटा होता है। दोस्तों अब मैं सेकेंड लेना चाहूंगा, फर्स्ट मैंने आपको समझाया, नंबर सेकेंड कंडीशन, नंबर सेकेंड कंडीशन याद रखिएगा दोस्तों, नंबर सेकेंड कंडीशन, ओके। अब देखिए नंबर सेक थर्ड एंड नंबर फोर्थ, इधर देखिएगा दोस्तों, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, करेक्ट, बीस अपॉन हाइपोटेन्यूज इंटू हाइपोटेन्यूज बाय बीस, ये कैंसिल आउट किया, अब बताइएगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा ऑलवेज वन, समझ में आ गया, और कॉस थीटा का रेसिप्रोकल वन अपॉन सेक थीटा होता है, एंड इंटरचेंज कर लो, सेक थीटा का क्या होता है वन अपॉन कॉस थीटा होता है दोस्तों, राइट मेरे बच्चों, बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से समझिएगा, ठीक है दोस्तों। नंबर फाइव एंड नंबर सिक्स, ये सब एनिमेशन के थ्रू दिखाऊंगा, देखिएगा दोस्तों, नंबर नेक्स्ट, टैन थीटा मल्टीप्लाई करो इनटू कॉट थीटा, याद रखिएगा परपेंडिकुलर अपॉन बीस इनटू बीस अपॉन परपेंडिकुलर, कैंसिल आउट किया, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा ऑलवेज वन होता है, टेन थीटा इक्वल टू वन अपॉन कॉट थीटा, एंड कॉट थीटा इक्वल टू वन बाय टेन थीटा, इंटरचेंज करा, राइट बेटा, राइट। एक आखिरी छोटी सी चीज समझ लो, आपका सारा काम खत्म हो जाएगा, गॉट इट। आइए दोस्तों सबसे पहले नंबर इसके अंदर टैन थीटा क्या होता है, बोले सर आप ही नहीं तो बताया था मुझे अभी, अभी
वन अपॉन कॉट थीटा, और कॉट बताया था वन अपॉन साइन, लेकिन रेशियोज में बात करूंगा तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में अगर मैं हाइपोटेन्यूज से डिवाइड मार दूं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो आप खुद खुश हो जाएंगे कि बोले सर मजा आ गया, टैन थीटा, टैन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन थीटा अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, कॉस थीटा। यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्त, ठीक है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया। सेम आप इसके अंदर कॉट में हाइपोटेन्यूज से डिवाइड मारेंगे और कॉट थीटा आपके पास हो जाएगा, पता है क्या, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है दोस्तों। अब आप एक बात बताइएगा मुझे, सारे बच्चे एक बात बताइएगा, क्या आप में दम है ये सब याद करने का दोस्त? इतना मैंने जो बोर्ड पे लिखा है अगर आपको अच्छे से याद है तो दोस्तों अच्छे से आता है तो आप 100% 99 नहीं 100% क्वेश्चन सॉल्व करते हो, गारंटीड लिख लो। तो क्या सर अगर मैं ये याद कर लूं मुझसे क्वेश्चन हो जाएगा? यस, मैं प्रूफ करके देगा, समझ में आ गया दोस्तों? ये मैंने आपको बिल्कुल, मेरी टीम ने मुझे ये सब बना के दिया है, लिखवा के दिया है, बट मैंने आपको जानबूझ करके ये पूरा समझा, राइट? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम दोस्तों? ध्यान से फिर से एक बार, राइट एंगल ट्राइंगल, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, बाकी बेस। साइन थीटा क्या होता है रट लो दिमाग में कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टैन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ओके सेम। इसके रेसिप्रोकल कॉसेक क्या होता है हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, सेक क्या होता है हाइपोटेन्यूज बाय बेस, कॉट क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, समझ में आ गया दोस्तों? यही मैंने जानबूझ के बता दिया है। टैन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इस दोनों में मैंने क्या किया हाइपोटेन्यूज से डिवाइड मार दिया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस होता है, तो टैन थीटा ऑलवेज साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है, कॉट थीटा क्या होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा। अब यहां आ जाओ, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा ऑलवेज वन होता है, साइन हमेशा वन अपॉन कॉसेक होता है, कॉसेक हमेशा वन अपॉन साइन होता है। सेकेंड अगर इतना याद रख लो, कॉस इंटू सेक ऑलवेज वन होता है, कॉस हमेशा वन बाय सेक होता है, सेक हमेशा वन बाय कॉस होता है, टेन इंटू कॉट ऑलवेज वन होता है, टेन क्या होता है वन अपॉन कॉट होता है, कॉट क्या होता है वन अपॉन टेन होता है। दोस्तों मैं हट जाता हूं, आप स्क्रीन शॉट लेना है स्क्रीन शॉट लीजिए, नोट करना है नोट करिए, बट प्लीज इसे बहुत अच्छे से करिएगा, ओके आइए दोस्तों अब नेक्स्ट। ओके दोस्तों नेक्स्ट, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया, फिर एक बार जो मेरी टीम ने मुझे बताया है उसके साथ चलना चाहूंगा। देखिए दोस्त, एक राइट एंगल ट्रायंगल मैंने यहाँ पे बनाया, एक बार ये 90 डिग्री हाइपोटेन्यूज को वो सी लिख रहा है, ये थीटा है, ये बी, ये ए, ये सी, ये वर्टाइसेस है, ये इसे बी लिया है, इसे ए लिया, ओके दोस्तों। अब आप देखिए वहां एनिमेशन में फर्स्ट नंबर साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर मींस बी अपॉन सी, ओके। कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक क्या होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, कॉसेक क्या होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन, ठीक है। नेक्स्ट आइए दोस्तों, मेरे सामने क्वेश्चन आ गया है, मेरे सामने क्वेश्चन आया है, अब मैं इस क्वेश्चन को क्या बोल रहा है वो पहले समझो। टेन थीटा 5/12 मैं आपको दे रहा हूं, क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड करना अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ओके जस्ट चिल। इधर देखिए, सबसे पहले मुझे काम करना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री दिया है मतलब आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, ये ए, ये बी, ये सी, ओके ये 90 डिग्री
ये हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर, दैट मींस ये थीटा, ये भी ओके। अब आपके पास टैन क्या होता है, आप वहां जो मैंने लास्ट क्लास अभी इससे पहले लिखाया था, याद रखिएगा इससे पहले लिखाया था, उसमें आप नोट करें टैन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बी, दैट मींस ये 5 है और ये 12 है। समझ में आ गया ओके दोस्तों। अब जरा मुझे बताइए आप लोग, पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट हो सकता है? पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कई मेरे अच्छे बच्चों ने डायरेक्ट आंसर लिखा होगा, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज अंडर रूट ऑफ 25 प्लस 144, दैट मींस एच यानी अंडर रूट 169 यानी हाइपोटेन्यूज 13 हो गया, करेक्ट 13। अब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस चाहिए, आप एक बात बताओ आपको क्या चाहिए, साइन थीटा चाहिए ओके लिख दो, आपको क्या चाहिए कॉस थीटा चाहिए लिख दो, आपको क्या चाहिए कॉट थीटा चाहिए लिख दो, आपको क्या चाहिए सेक थीटा लिख दो, आपको क्या चाहिए कोसेक थीटा, प्लीज लिख दीजिएगा ओके। और उसके बाद आप जो मेरे पीछे पड़ा है प्लीज 1 2 3 4 5 को आप जरूर देखें, पीछे मैंने पढ़ा है साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट मींस 5/13, कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट मींस 12/13। दोस्तों कॉट क्या होता है, सर टेन का अपोजिट यानी उल्टा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर दैट मींस 12/5। सेक क्या होता है सर हाइपोटेन्यूज बाय बेस, मैंने कहा देख 13/12, फिर देखिएगा बेटा हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर दैट मींस 13/5। ये रहे आपके आंसर्स, आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए ठीक है दोस्तों ठीक है। अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करना ठीक है, लाइक एंड शेयर जरूर करना, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको एक चीज का तो फायदा सबसे पहले होगा कि मेरा जो सेकेंड लेक्चर आने तुरंत सेम डे पे आने वाला है वो भी आपको मिल जाए, समझ में आ गया दोस्तों ठीक है दोस्तों। बैक टू बैक ट्रिग्नोमेट्री 3 क्लासे लूंगा और ट्रिग्नोमेट्री खत्म, उसके बाद अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाता है और तुमसे नहीं बनता है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के मुझे बताइए, पर उसके लिए आपको मेरी क्लास बहुत ही ध्यान से सुननी पड़ेगी, लिखनी पड़ेगी, क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेगी। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए वाओ वाओ बहुत बढ़िया दोस्तों, इसके अंदर मैं कुछ नहीं सिर्फ ये मिटाने वाला हूँ, मैं आप लोगों का टाइम सेव करने वाला हूँ। ये राइट एंगल ट्रायंगल आप जानते हो वही की वही है, आपको क्वेश्चन में क्या गिवन दिया है, आपको दिया है 15 cot A equal to 8। अब इसे क्या लिखो A, इसे क्या लिख दो C, इसे एंगल कर दो ठीक है दोस्तों, यहाँ एंगल A कर दो। क्लियर है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। cot A 18/15, दैट मीन्स सीधी सी बात है 20 अपॉन परपेंडिकुलर यानी 8 और ये क्या है 15 ठीक है दोस्तों, 8 and 15 आई थिंक मुझे लगता है ये 17 होना चाहिए, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी मतलब 15 का स्क्वायर प्लस बी मतलब 8 का स्क्वायर, 225 plus 64 289 under root 289 that means 17 ही होता है ना भाई, अगर गलती हो गई है तो माफी चाहते हैं ठीक है। साइन क्या होता है 15/17
बेस क्या होता है 8/17, ठीक है दोस्तों, 8/15, sec क्या होता है भाई साहब, sec होता है साहब 17/8 और 8/cosec, हाइपोटेन्यूस का 17/15, ठीक है। आपसे क्या बोल रहा था cos और आपसे क्या बोल रहा था cosec, मैंने उठा करके पूरी बता दिया, समझ में आ गया दोस्तों। जल्दी से नोट करिए और मुझे आंसर दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन का, मुझे आंसर दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों, फटाफट स्टार्ट करिए। ठीक, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, देखिए दोस्त बहुत ही फास्टली काम कर रहे हैं, ठीक है। चलिए मैं देता हूं, देन उसके बाद आपको बैक टू बैक टू प्रॉब्लम, ठीक है दोस्तों, दो प्रॉब्लम आपके पास आ जाएंगे, कर लीजिएगा ए बी सी, राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री, हाइपोटेन्यूज थीटा यानी परपेंडिकुलर और ये बी, ओके दोस्तों, ओके दोस्तों, थोड़ा सा राइट एंगल ट्रायंगल हल्का सा तिरछा बन रहा है, आप माइंड मत करिएगा, ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक। साइन थीटा 1/√2 यानी मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 1 है, हाइपोटेन्यूज √2 है, इसका आंसर मुझे बताना है 1, ठीक है दोस्तों। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, p² + b² h क्या है √2 का होल स्क्वायर, p1 का स्क्वायर प्लस b फाइंड आउट करना है, बेस मीन्स बी सी फाइंड आउट करना है, ये 2 बचेगा -1 = bc का होल स्क्वायर, bc √1 बचेगा, दैट मीन्स 1 हो जाएगा, ओके दोस्तों। अब आपको निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा -sec थीटा बाय cos थीटा, दोस्तों tan थीटा का मतलब होता है, tan थीटा क्या होता है, बोले सर सिंपल है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब 1/1, आंसर इज 1। sec थीटा क्या होता है, सर सिंपल है, हाइपोटेन्यूज बाय बेस होता है, यानी √2/1, दैट मींस √2, ठीक है दोस्तों। के बाद आप बताइए cos थीटा क्या होता है, बोले सर सिंपल है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos थीटा मतलब 1/√2, ओके जस्ट इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है आ जाइए दोस्तों। नेक्स्ट tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1, sec थीटा की वैल्यू √2 अपॉन cos थीटा की वैल्यू 1/√2, देखिए दोस्त ये ऊपर जाएगा √2 1 - √2, तो √2 के मल्टीप्लाई -√2 √2 2, ये ले लीजिए आंसर, समझ में आ गया दोस्तों, क्लियर है, जल्दी से फटाफट नोट करें, मैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन देने वाला हूँ। क्या दोस्त ये क्वेश्चन आपको टफ लग रहा है, टफ लग रहा है तो मुझे जरूर बताइएगा, फटाफट नोट करिए, नोट कर लिया, अगर नहीं कर पाए नोट तो आप वीडियो पोस्ट करें, पहले कॉपी कर लो देन उसके बाद आके, देखिए दोस्त एक तरीके से मैं आपको 1-to-1 कोचिंग दे रहा हूँ, आप उसका पॉजिटिव रिजल्ट निकाले, ठीक है दोस्त, ठीक है। ये एक आखिरी क्वेश्चन, फिर इसके लिए मैं आपको इसके बाद आपको बहुत सारे क्वेश्चन दे दूंगा, 3-4 क्वेश्चन तो दे ही दूंगा, ठीक है दोस्त। 4 tan θ = 3/3, दैट मीन्स tan थीटा इक्वल टू 3/4, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए आप, ये ए ये बी ये सी, फिर तिरछा होगा हल्का सा, ठीक है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, 90 डिग्री यानी पता है, थीटा यानी परपेंडिकुलर, ये बी ये 3 ये 4, अब आप इतना तो जान ही गए होगे, tan थीटा बेस बाय परपेंडिकुलर, ओके पाइथागोरस निकालना है, पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूज निकालना है, निकाल लीजिएगा h² = p² + b²
आई थिंक सारे बच्चे बोल रहे होंगे 5 है सर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, एच इज इक्वल टू 5, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। दोस्तों आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 4 sin θ - cos θ + 1 upon, ओके, 4 sin θ + cos θ - 1, ठीक है दोस्त। अब आपको इसमें साइन और कॉस निकालना है, दैट मीन्स यहाँ पे अलग से आप लिख सकते हो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी 5 cos θ मीन 4/5। इसकी वैल्यू यहाँ पुट करिए, पुट जैसे ही करेंगे तो याद रखिएगा दोस्तों 3/5 - cos होता है 4/5 + 1 upon 4 × 3/5 + 4/5 - 1। दोस्तों अब आप एलसीएम ले लीजिए, 12 - 4 + 5 upon 12 + 4 - 5/5, कैंसिल किया और ये आपका आंसर आ गया 8/13 upon 16 यानी 11। ये आपका आंसर रेडी है दोस्तों। अब आप देख लीजिए कितना आसान आपके सामने। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट्स लिखिए, आपको पता चले, मुझे पता चलेगा कि आपको किस किस चीज की जरूरत है। आप जो भी टॉपिक बोलोगे पहले नॉन टॉपिक के, आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, समझ में आ गया, वो फटाफट बना दूंगा, समझ में आ गया। जो आपको लगता है कि ये टफ है आप मुझसे बोलिए कमेंट सेक्शन में, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रॉब्लम आ गया, दोस्तों आइए चलिए, ओके। ये क्वेश्चन जनरली बच्चे इस क्वेश्चन से डरते हैं, डरना नहीं है, डरना मना है, ठीक है। आइए दोस्तों, पहला साइन अल्फा 15/17 होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आगे नहीं पढ़ूंगा, मैं इस पे काम करूंगा। नंबर फर्स्ट, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे आप, ए बी सी, ये 90 डिग्री ले लीजिए, ये अल्फा ले लीजिए, ठीक है। ये होता है आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सर आपने तो कुछ क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं और क्या कर रहे हो? मैंने कहा सबसे पहले बेटा एक काम करो, परपेंडिकुलर 15 लिख दो, हाइपोटेन्यूज 17 लिख दो, बीस आई थिंक 8 होगा, 100% आप करके जरूर देखना, समझ में आ गया दोस्तों। अगर आप बहुत अच्छा कर रहे हो तो याद रखिएगा दोस्तों, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी इसके अंदर, ठीक है। साइन थीटा मैंने अपना टारगेट बताना ही भूल गया, साइन थीटा साइन अल्फा आपने निकाला, आप चुपचाप इसका कॉस अल्फा निकाल के बैठ जाओ। कॉस अल्फा क्या होता है बेटा? सर 20 अपॉन हाइपोटेन्यूज, वेरी गुड बेटा। अब सेकेंड, कॉस बीटा दे के रखा है आपको 12/13, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, ए बी सी कुछ भी लिख दो, या इसे लिख दो पी क्यू आर, ओके। ये 90 डिग्री, ये आपने बीटा मान लिया, ठीक है। ये होता है 20 अपॉन हाइपोटेन्यूज, 12/13। आई थिंक पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ पे 5 आएगा परपेंडिकुलर, आप जरूर करिएगा। तुरंत कॉस बीटा दिया हुआ है, चुपचाप साइन बीटा फाइंड आउट कर लो। सब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, आप ही तो सिखाया है, समझ में आ गया दोस्तों। पहली वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसकी, साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा, ये आपके पास लिखा हुआ है, गॉट इट। आपको कुछ नहीं करना है, इसके अंदर साइन अल्फा की वैल्यू 15/17 लिखनी है, इंटू कॉस बीटा की वैल्यू 12/13 लिखनी है, प्लस कॉस अल्फा
8/17 इंटू कॉस 5/13। दोस्तों 17 इंटू 13 ये आपको मल्टीप्लाई करना है 15 इंटू 12 प्लस 8 इंटू 5। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? आई थिंक ये 180 होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, नंबर सेकेंड 40। ठीक है, 17 इंटू 30। समझ में आ गया दोस्तों? सबसे पहले इसकी वैल्यू आप एक काम कर लो ना दोस्त, आप खुद ही कर लो ना यार, 220 अपॉन 17 इंटू 30 लिख दीजिएगा। इसका बी ऑप्शन बी आपको खुद करना है, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, और आप मुझे बताइएगा। समझ में आ गया दोस्तों? नेक्स्ट, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट, ये भी क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए और मुझे आप लोग ये प्रूव करके दीजिए कि सर जो आपने पढ़ाया है उसके बेस पर ये प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर लिया। समझ में आ गया दोस्तों? वेरी गुड। अच्छा, एक इसमें थोड़ी सी हेल्प भी कर सकता हूँ मैं आपकी। कैसे सर, कैसे हेल्प करोगे? यहाँ पे लिखा हुआ है रूट फाइव कॉट ए इक्वल टू कॉस सेक ए। अब आप डर गए होगे इस क्वेश्चन को देख के। नहीं डरना है, सबसे पहले सिंपल पीछे जाना है, पहले वाले में कॉट ए होता है हमेशा याद रखना कॉस ए अपॉन साइन ए, प्लीज चेक जरूर करिएगा, कॉस ए अपॉन साइन है, और कॉसिक ए से भी चेक करिएगा 1 अपॉन साइन ए। यहाँ पे पुट करिए, फिर बात करते हैं। कॉस ए अपॉन साइन ए इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए, क्लियर है? इससे कैंसिल हो गए, तो एक्चुअल में ये कॉस ए की वैल्यू है दोस्त, पता है तुम्हें? अरे पता चल गया होगा यार, कॉस ए 1/√5। आगे होगा समझ में? आप इसमें टेन कॉट निकालिए और वैल्यू पुट कर दीजिए। मुझे लगता है आपको आज बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आया है तो कमेंट सेक्शन में जा करके जरूर लिखना दोस्त, मुझे पता चलता रहेगा। आपको कौन कौन से टॉपिक पहले पढ़ने हैं, मैं सारे पढ़ाने वाला हूँ, जो आप पहले बोलोगे मैं उसका पहले वीडियो बना दूंगा। समझ में आ गया गाइस? याद रखिएगा, सिर्फ इस कोचिंग का टारगेट है 80 out of 80। समझ में आ गया दोस्तों? समझ गए? आपको अगर किसी और सब्जेक्ट में मदद चाहिए तो आप मुझे बताइएगा, मेरे टीचर्स आपको उस सब्जेक्ट की भी वीडियोस बना करके जरूर देंगे। ठीक है दोस्तों? ओके बाय।